गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आजना लेक्चर नी अंदर आपणे अचल प्रवेगी गतिना समीकरण विषेनी चर्चा करवाना छे। आज थियरी आपणे जे भणीए छे बेटा, ए थियरी ऑलरेडी चेप्टर नंबर 3 में आई गई छे, पण अहींया अचल प्रवेगी गतिनी अंदर आपणे एक शब्द एड करशुं समतलमां। तो तमे अहींया अचल प्रवेगी गतिना समीकरण मेळवशो ए पण समतलनी अंदर। तो आ एकदम नॉर्मल थियरी छे अने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टंट थियरी इन चेप्टर नंबर 4। तो आपणा चेप्टर नंबर 4 नी थियरी व्यवस्थित रीते तैयार करशुं। सौथी पहेला आनी जे कंडीशन छे अथवा जे शरूआत छे ए सिमिलर जे चेप्टर नंबर 3 में छे एना ए ज रीते करवानी छे। धारो के आपणे अहींया करी विचारीए कि धारो के कोई कण छे, ए अचल प्रवेग ए थी, अहीं सदिशनु चेप्टर छे एटले तमे सदिशना चिह्न पर थोड़ो भार मूकी शको छो। अचल प्रवेग ए थी समतल में गति करे छे। तो तमे जुओ मैं अहीं पर्टिक्युलर समतल शब्द पर बधु फोकस कर्यु। तो अचल प्रवेग ए थी समतल में आनी जग्याए चेप्टर नंबर 3 नी अंदर आ रीते लगता था कि धारो कि कोई कण अचल प्रवेग ए थी सुरेख पथ पर गति करे छे। एमां सुरेख पथनो वधार उपयोग करता था, ज्यारे अहींया आ चेप्टर नी अंदर समतल शब्दनो यूज करीए छे। हवे अहींया कंडीशन लखीए कि शरूआतमां एटले प्रारंभिक स्थितिमां मानी लो तमारो जे कण छे ए आर बराबर आर जीरो ना स्थान पर छे, अने ए वखते कणनो जे वेग छे ए वेग वी नॉट छे। तो शरूआतना समय में एटले के टी बराबर जीरो समय आज सीच्युएशन लखीए छे बेटा, ए टी बराबर जीरो समय नी लखीए छे। तो टी बराबर जीरो समय कणनो स्थान सदीश आर बराबर आर जीरो पर, अने कणनो वेग सदीश वी इक्वल टू वी नॉट छे। अंतिम समय में मतलब लास्ट में कणनो वेग एटले कणनुं स्थान आपणे आर आगळ लईए छीए, अन कणनो बेटा अंतिम वेग ए वी छे, पण कया समय? तो आपणे पर्टिक्युलर समय लईए छीए टी बराबर टी समय। तो टी बराबर टी समय कणनो वेग वी छे अन कणनुं स्थान आर छे। तो आ जे छे ने ए बेसिक शरतो थई गई, जे शरतोना आधीन आपणा थियरी शरूआत करशुं। थियરીની શરૂઆત પ્રવેગથી કરવાની। તો આપણા સામાન્ય રીતે કોઈ કણ પ્રવેગિત ગતિ કરતો હોય તો એ વખતે પ્રવેગનું સમીકરણ એ આપણને ખબર છે વેગમાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા સમયગાળો થાય। તો આપણા સૂત્ર વાપરીએ છીએ, હવે વેગમાં થતો ફેરફાર મતલબ અંતિમ જે વેગ છે એમાંથી પ્રારંભિક વેગ બાદ કરો। તો અંતિમ વેગમાંથી પ્રારંભિક વેગ બાદ કરો મતલબ વી માઇનસ વી નોટ થાય। समयगाळामां अंतिम समयमांथी प्रारंभिक समय बात करो टी माइनस नॉट एटले के टी थाय। तो तमने अहींया समीकरण आ रीते मळशे, वी नॉट वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू टी। याद राखो समय अदिश राशि छे एटले एना पर साइन नहीं करवानुं। तो तमने अहींया समीकरण मळशे वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए इंटू टी। आ तमारू सदिश फॉर्मनी अंदर अचल प्रवेगी गतिनुं समीकरण थई गयुं। पण मैं तमने वात करी ते मुजब ज्यारे समतलनी वात करता होय, समतल मतलब एक्स डायरेक्शन अथवा वाई डायरेक्शननी वच्चेनी वात होय, तो ए वखते वेगना पण बे घटकों पड़े बेटा। एटले आपणे अहींया जो वेगना घटकों पाड़ता होय तो एक्स दिशानो घटक अदिश फॉर्ममां होय बेटा। तो एक्स दिशानो घटक बराबर वी नॉटनी जगह वी नॉट एक्स અને પ્રવેગની જગ્યાએ એ એક્સ, સમય તો અદિશ વેલ્યુ છે એનો ઘટક ના હોય। અને એ રીતે તમે વાયક્ષના ઘટકની વાત કરતા હોય તો તમારું સમીકરણ આવે વી નોટ વાય પ્લસ એ વાય ઇન્ટુ ટી। આઈ હોપ કે તમે આટલા સુધી સમજી શકતા હશો। સરેરાશ પ્રવેગ પછી બેટા આપણે સરેરાશ વેગની વાત કરીએ છીએ। તો સરેરાશ વેગનું સામ સમીકરણ આપણને ખબર છે, સરેરાશ વેગનું સમીકરણ એ સામાન્ય રીતે સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો થાય। તો આ સૂત્રના મદદથી તમે સમીકરણ નંબર 2 અને 3 મેળવી શકો છો। આપણે હાલ આ સમીકરણને 1 કહી દેશું। હવે અહીંયા સ્થાનાંતરનો મતલબ શું થશે? તો તમે વિચારી શકો સ્થાનાંતરનો મતલબ સરેરાશ વેગ ગુણ્યા સમયગાળો થશે, બરાબર। હવે સ્થાનાંતર કેટલું છે?
तो अंतिम स्थान में प्रारंभिक स्थान बात करो, अंतिम स्थान आर छे, प्रारंभिक स्थान आर नॉट छे, तो स्थानांतर मळशे अंतिम स्थान में प्रारंभिक स्थान बात करो। सरेराश वेग एटले शुं थाय, के सरेराश वेग एटले प्रारंभिक वेग ने अंतिम वेगनो सरवाळो भाग्या बे, आपणे दसमा धोरणमां शीखेला छे। तो अंतिम वेग वत्ता प्रारंभिक वेग भाग्या बे करिए एटले आपणने सरेराश वेग मळे। अने समयगाळो एटले अंतिम समयमांथी प्रारंभिक समय बात करो, तो टी माइनस नॉट मतलब तमने अहीं समयगाळो टी मळशे। हवे आ समीकरण नंबर बे थई गयुं, बराबर। हवे तमे ध्यानथी जुओ, तमे समीकरण एक अथवा बे, बेमांथी जेनो यूज़ करवा माँगो ए तमारा पर डिपेन्ड करे छे बेटा, तो आपणे एमां फोर्स करशुं नहीं। तो आटला सुधी तमने आइडिया आवतो हशे, आई थिंक एकदम सीम्पल छे आटला सुधी, बराबर। तो अहीं सरेराश वेग लख्यो, समयगाळो लख्यो, तमे सहज समझीने करशो तो तमने अहीं तकलीफ नहीं पड़े, बराबर। आ एकदम सीम्पल वस्तु छे, अने तमे एने सीम्पल रूपे लेशो तो तमने इजीली तमे आनु सॉल्यूशन करी शकशो, बराबर। हवे तमे शुं करो, जुओ अहीं समीकरण बेनी अंदर जे वी छे ए वीनी किंमत समीकरण एकमांथी मूकी दो। तो समीकरण एकमांथी वीनी किंमत, समीकरण बेनी अंदर मुक्ता तो शू थे, जुओ आर आ माइनस आर नॉट है बराबर, ने पेली बात जाए तो प्लस आर नॉट थी जैसे, पची वीनी जगह तमें लखशो वी नॉट प्लस एटी अन पाछो आ वी नॉट, एटले अहीं वी नॉट केटला थशे टू वी नॉट, पाछा डिवाइडेड में टू अन एना गुणाकार में टी, बराबर। तो अहीं समीकरण शू मळशे, जुओ आर नॉट नी जगह आर नॉट, और टू वी नॉट भाग्या बे तो टू टू कैंसल, और टी अंदर गुणा से मतलब थे वी नॉट टी प्लस अहीं एटी भाग्या बे गुण्या टी मतलब अहीं थे वन हाफ एटी स्क्वेर। तो देर फोर तमारो अहीं स्थानांतरण समीकरण मलशे आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वेर। जे राशिओ सदिश छे एना उपर ज तमारे चिह्न करवानुं छे। आ तमने अचल प्रवेगी गतिनुं समीकरण मळी गयुं, आपणा समीकरणने समीकरण नंबर त्रण कहेशुं। पण आ अचल प्रवेगी गतिनुं समीकरण होय तो बेटा एना शुं करवा पड़े, पाछा घटक पाड़वा पड़े। तो स्थानांतरना बे घटक पड़े, एक एक्स अक्षनो ने एक वाय अक्षनो, तो अहीं घटको पाड़ी। चलो तमे एक्स अक्षनो घटक लखता होय तो अहीं तमारुं शरूआतनुं स्थान एक्स नॉट लखाय, पछी वेगनी जगह वी नॉट एक्स इंटू टी लखाय, प्रवेगनी जगह वन हाफ ए एक्स टी स्क्वेर लखाय। आ एक्स अक्षनू थई गयुं, ए रीते वाय अक्षनी वात करता होय तो वाय नॉट प्लस वी नॉट वाय इंटू टी प्लस वन हाफ ए वाय टी स्क्वेर समीकरण थशे। तो आ घटक थई गया। हवे फरीथी शुं करवानुं, जुओ आ जे समीकरण बे मां वीनी किंमत मूकी दी एनी जगह वी प्लस वी नॉटनी किंमत मूको, तो वी प्लस वी नॉट की किंमत तमे नहीं मूकी शको, बराबर। तो एक काम करो टी की किंमत मूको, समीकरण बे में टी की किंमत मूको समीकरण एक में, तो समीकरण एक में टी की किंमत मूको शू थाय वी माइनस वी नॉट भाग्या ए, ए टी की किंमत समीकरण बे में मूकी दो। तो आप बीजा पेज नो यूज़ करवो पड़े बेटा, अँ आप लखी शकी कि समीकरण एक में टी की किंमत वी माइनस वी नॉट भाग्या ए, ए तमे मूकी दशो समीकरण बे मां। तो समीकरण बे मां मूकशो तो आ रीते मळशे आर माइनस आर नॉट वी प्लस वी जीरो भाग्या बे, ए तो एमना एम रहेशे, पण टी नी जग्याए तमे लखशो वी माइनस वी नॉट भाग्या ए। अहींया तमे जुओ एक्स प्लस वाय एक्स माइनस वाय, एटले अहींया समीकरण थशे वी स्क्वेर माइनस वी जीरो स्क्वेर, नीचे टू इंटू ए एटले अहीं टू इंटू ए, ए प्रवेग सदिश फॉर्म में आवशे। तो आ टू ए पेली बात जशे तो तमने अहीं समीकरण मळशे वी नॉट माइनस वी नॉट स्क्वेर इज इक्वल टू टू ए कौंसमां आर माइनस आर नॉट। आ तमने समीकरण नंबर चार थी जैसे, आई थिंक ओके चार। देर फोर समीकरण एक बे त्रण अने चार एमां मेन एक त्रण चार ए मागेल अचल प्रवेगी गतिना समीकरण छे, तो मागेल समीकरण छे। तो तमने आइडिया आवशे
तमे जो सॉल्यूशन इजीली करशो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आना जे बे एक्जाम्पल छे आना परथी बे उदाहरण छे जुओ। एक उदाहरण नंबर चार छे जे तमने पहला गणायेलू छे, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी उदाहरण छे जे घणा वखत पांच मार्क्स नी अंदर पूछातु होय छे। तो तमे ए प्रयत्न करजो, ना आवडो तो पछी मने पर्सनली कहेजो तो हूँ सॉल्व करी दईश। अने एक बीजू पण उदाहरण छे जेना पर तमे फोकस करी शको छो ए छे स्वाध्यायनो 21 नंबरनो एक्जाम्पल। तो आ बन्ने वस्तुओ तमारे खास तैयार करवानी रहेशे बेटा, बराबर पांच मार्क्स नी अंदर पूछाती होय छे। तो आई होप કે તમે મહેનત કરીને આ બંને તૈયાર કરશો, આ થિયરી પણ તૈયાર કરશો। તો આપણા આગળનો પોઈન્ટ એટલે કે પ્રક્ષિપ્ત ગતિની ચર્ચા કરીએ, ઓકે।